पीछे 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 इस गाड़ी में हम लाएंगे दुर्गा जी। बार जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था इस तरफ भी, तो इस तरफ बहुत बड़े बड़े मूर्ति बने हुए हैं। मूर्ति देखो भाई साहब, और गाइस क्या हाल है आपके। तो गाइस आज जो है वो एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है, वो होने वाला है हमारे घर के पास के दुर्गा जी लेने और लेके, मतलब लेके आने और पंडाल में स्थापित, मैं बूमर कह रहा हूँ इसलिए, पंडाल में स्थापित यानी रखने का दिन है। मतलब आज है करीब 6 तारीख, बट कल दुर्गा जी कल आए, कल से नवरात्रि चालू हो रहे हैं, बट आज हम जा रहे हैं दुर्गा मूर्ति लेने के लिए। तो बाहर खड़ी है गाड़ी, दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो इस गाड़ी में हम लाएंगे दुर्गा जी की, मतलब वो मूर्ति, और सामने की तरफ जो है पंडाल बना है तो उस पर बैठेंगे, इस पर लड़के लोग के लिए सोने के लिए। तो पंडाल भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो इस पे दुर्गा जी हम लेने जाएंगे, बट हम अपनी गाड़ी में जाएंगे वहाँ जो खड़ी है। तो हम दिखाते हैं आपको पंडाल अभी फिलहाल, तो वहाँ जाके और इस तरफ से रास्ता है और पंडाल एकदम बन के रेडी हो चुका है, जो आप देख सकते हो सामने से। तो मैंने अभी माइक फिलहाल नहीं लगाया है, और ये देख सकते हो यहाँ पे अभी लाएंगे दुर्गा जी को सामने से और यहाँ पे स्थापित होंगे। और ये देख सकते हो पंडाल कैसे लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो चलते हैं अभी गाड़ी पे और मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग मोड में, क्योंकि अभी जा रहे हैं मूर्ति लेने। तो ये वीडियो कुछ नया होगा, अगर इसके अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो गाड़ी पे मिलते हैं। ठीक है ठीक है, तो अभी शायद पेट्रोल बहुत कम है, चलते हैं। नहीं नहीं अंडा चौक में ज़्यादा पैसा ले लेगा पेट्रोल पंप का। हाँ, तो साथ में भैया और सामने देख सकते हो गाड़ियों में जा रहे हैं फुल भीड़ हो के। तो यही, तो यहाँ से अभी चलना पड़ेगा हमको सिरिसा गेट के आगे, औंधी की तरफ से मूर्ति लेंगे। सामने देख सकते हो कितना भीड़ है, तो गाड़ी में अपन पहले चलते हैं अभी फिलहाल। तो गाड़ी आएगी अभी, थोड़ी लेट लगेगा शायद। और ये यहाँ भी दुर्गा बैठ रहे हो, देख सकते हो गोल्डन टाइप का दिख रहे है एकदम मस्त से, लाइटिंग बहुत सही है। तो इधर का भी मैं ब्लॉग बनाऊँ, वहाँ दुर्गा जी अभी शायद बैठ रहे हैं, मतलब लेके आ गए हैं सब। आज के दिन कुछ लोग ला रहे हैं, सब आज ही के दिन ला रहे लगते तो है। हाँ, कल 7 तारीख लग जाएगा भैया बता रहे हैं, इसीलिए आज मूर्ति ला रहे हैं। तो यहाँ अभी देख सकते हो पंडाल बने हुए हैं, रास्ते में बहुत जगह पंडाल बने हुए हैं, मस्त मस्त एक से बढ़कर एक, वाह। और देख सकते हो रोड एकदम कचड़े टाइप का, क्योंकि ये आ चुका है हमारा वही भिलाई 3 वाला रायपुर वाला रोड। यार ये रोड बहुत बकवास है। सामने तो अभी ब्रिज जहाँ बन रहा है ना, वहाँ और भी आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार लगेगा रोड। अभी यहाँ से सही है थोड़ा बहुत, आगे और ख़राब है रोड। और ये देखो ये आ गया है हमारा कंस्ट्रक्शन वाला रोड, और सबसे बेकार रोड है ये, पता है सबसे बेकार रोड। सामने धूल उड़ रहा है, वाइजर खोल के रखा है मैंने, वाइजर लगा देता हूँ साला। और ये रोड जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, मतलब जब तक ये ब्रिज जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक इधर का कुछ नहीं हो सकता। जब बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत ज़्यादा कुछ। तो यार इसको पार करते हैं पहले तो यार। तो यार ये कहाँ फोकस हो जाए, तो ये आ गया थोड़ा सही ढंग का रोड। तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का बाकी है पोर्शन, तो चलते हैं अब सीधा सीधा यहाँ से। तो मस्त मतलब वो है एक तरफा, तो जब तक अपन सिरिसा गेट को पार करके उस पार नहीं पहुँचेंगे तब तक बहुत धूल मिट्टी। सिरिसा गेट के उस पार मस्त नज़ारा है, आपने उस वीडियो में देखा ही होगा, मैं उस वीडियो को प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो ये देख सकते हो यहाँ का बैनर इस पर दिखा रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना और वो देख सकते हो वीडियो को। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, पीछे गाड़ी में लोडेड अपने बंदे आ रहे, तो आगे जाके थोड़ा रुकेंगे। तो यार हम इधर से अब राइट की तरफ कटते हैं, और राइट जो मजार है उसके आगे से एक और रोड गया है, वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सामने की तरफ थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है और थोड़ा दिक्कत भी होगा, पर देखते हैं कहाँ से कटते हैं। अपने बंदे आ जाए तो हम उनके हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ से राइट ले लेते हैं पहले तो। अरे आराम से, और वो बंदे आ गए हमारे उस तरफ से पीछे से, तो आगे चलते हैं और उनको आगे भेजेंगे। इस रोड को थोड़ा सही करना चाहिए, तो ऊपर जो है ट्रेन जाने का रास्ता है, वहाँ से ट्रेन जाती। तो हम देव बालोदा गए थे, तो यहाँ से गए थे अंदर से, राइट की तरफ कट गए थे, लेफ्ट की तरफ सॉरी, राइट की तरफ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा,
लेफ्ट की तरफ कट गया था देव बालोदा के लिए। तो देव बालोदा का शायद व्लॉग अभी तक अभी तो नहीं आएगा, वो नवरात्रि के बाद ही आएगा, तो उसको भी देख लेना यार यहाँ से निकाले जाए। ये वाला जो ट्रक जा रही है यहाँ से है रास्ता, तो हमारे बंदों को आगे भेजते हैं थोड़ा, है ना, रोकते थोड़ा यहाँ। तो ये यार बंदे आ चुके हैं यहाँ तक, तो सामने जा रहे फुल हवा खाते हुए, तो हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे। और देख सकते हो इधर का नज़ारा एक तरफा यार, देखो क्या लग रहा है नज़ारा। ठंडियाँ आने वाली है इसलिए थोड़ा कोहरा कोहरा दिख रहा होगा दूर दूर तक, एक तरफा, लेकिन मज़ा आ रही है, मज़ा आ रहा है मेरे को तो। सब पकड़ के एकदम डरे हुए हैं, ड्राइवर थोड़ा अपना हैवी है, हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर। तो इनको आगे ही जाने देते हैं, हम पीछे ही चलते हैं इनके, कुछ हो तो भी दिख जाएगा। तो वल्ला चक्रधारी का जो घर है ज़्यादा दूर नहीं है, तो पीछे उनको छोड़ दिया है, फिर आगे भेजेंगे और फिर उनके मजे लेंगे। मज़ा आता है उनको इधर से उधर लोट पोट होने में, देखने में। अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई लगता है, कुछ होने वाला है यहाँ। भाई 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 भाई, भाई इतना बड़ा रास्ता है फिर भी। तो कॉलेज लगता है आज एग्ज़ाम वगैरह है या फिर एडमिशन वगैरह करा रहे हैं। तो देखो यार ये रोड क्या लगता है हर बार, मतलब दिल आ जाता है इस रोड पे। पिछली बार जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, यहीं पे एक्सीडेंट हो गया था पिछली बार, जो वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे, यहीं घुस गई थी गाड़ी, पर मदद भी हो गई थी, ज़्यादा चोट नहीं लगा उनको पिछली बार औंधी वाले ब्लॉक में, दुर्गा माता वाले। तो और थोड़ा सा बस आगे है, बस ये कहाँ चले गए नहीं पता। ओ भाई आराम से, लगता है आज थोड़े ज़्यादा जोश में है लौंडे अपने। गाड़ी यहीं कहीं खड़ा करते अपन भी और अंदर की तरफ जाना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, देखते आज भीड़ नहीं होगा तो गाड़ी अंदर ही डालते हैं। यहाँ से निकल जाए गाड़ी। तो यार ये आ चुका है वल्ला चक्रधारी का, वो क्या बोलते हैं मूर्तिकार, तो ये गाड़ी निकल दें तो पहले। तो चलो आपको तब तक मूर्ति दिखाते हैं, हमारे बंदे अभी आने में टाइम लगेगा। ये है तो ये देख सकते हो हमारा मूर्ति, ये है क्या दिख रहा है एक तरफा। और देखो यार क्या मस्त लग रहा है मूर्ति एक तरफा ऊपर से लेकर नीचे तक, और एक से बढ़ के एक मूर्ति गए। तो इनको अभी इनको ले जाना पड़ेगा, मस्त दिख रहे एक तरफा यार, देख लो आप भी। और यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ रखाए हैं, देख सकते हो चारों तरफ, उस तरफ भी देखते हैं थोड़ा। तो यार इस तरफ देख सकते हो मूर्तियाँ, हमने ट्राइपॉड पे ले लिया है अपना उसको, तो एक से बढ़कर एक मूर्तियां रखाए गए इस तरफ, और उस तरफ हमारी जो मूर्ति है मेन वाली वो रखाया है। अगर सामने देख सकते हो क्या बड़ा मूर्ति है, तो वो उसका वीडियो एक बार दिखाता हूँ आपको इस तरफ भी। तो इस तरफ बहुत बड़े बड़े मूर्ति बने हुए हैं, देख सकते हो यार ये वाला मूर्ति देखो सामने से एक बार, क्या लग रहा है यार, मतलब क्या बोले इसको, क्या दिख रहा है यार। और यहाँ भी देख सकते हो आप एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ रखाए हैं, तो बने भी हैं, तो क्या बताऊँ उसके लिए कुछ वर्ड नहीं है। तो वल्ला चक्रधारी के यहाँ का ये सब सीन जो आप देख रहे हो, तो चारों तरफ मतलब एक से बढ़कर एक, देख रहे हो मूर्ति वाला क्या लग रहा है। तो यार इस तरफ भी देख सकते हो एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देखो यार क्या लग रहे हैं मूर्ति, मतलब अब यार वो ये मूर्ति देखो भाई साहब, गोल्डन एकदम से भाई पूरा देखो, मतलब क्या अलग से साइन मार रही है माता जी का मूर्ति। और ये देखो यार सब देख सकते हो एक तरफ, तो भाई ने बताया कि इस तरफ जाओ एक से बड़े एक और मूर्ति है, तो देखो यार हाँ उस तरफ भी है, दिखा रहे हैं तो देखो, देख सकते हो क्या लग रहे हैं यार। तो एक गाने के साथ मैं आपको पूरी मूर्तियां दिखाता हूँ यहाँ के बाजू के आजू बाजू सबके।
अब जो है पूजा हो चुका था मूर्ति का और अब निकालने की बारी आ चुकी थी, तो सब लोगों ने मिलकर निकालना चालू कर दिया ट्रेलर ट्रक तक ले जाने के लिए मूर्ति। मैं तब तक वीडियो बना रहा था बाकी लोगों का। तो देख सकते हो यहाँ से अब मूर्ति सीधा वहाँ जाएगी, तो आपकी प्रोसेस देखो। तो यार देखो मूर्ति ऊपर चढ़ चुकी है, बहुत बेहतर चढ़ चुकी है, मस्त दिख रही है। सामने की तरफ से दिखाता हूँ आपको मैं पहले। देखो यार क्या लग रही है मूर्ति। अब बस निकलते हैं यहाँ से, सबको चढ़ाते गाड़ी पे और हम चलते अपने गाड़ी पे फट से। तो यार ये चली हमारी दुर्गा मूर्ति और लड़के लोग जो है चढ़ रहे हैं और मोनू भैया जो है दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है तो उनको एक बार देखना पड़ेगा कहाँ है। तो यार अब माइक लग चुका है, तो मेरे को बताना कि उस समय माइक लगा था कि नहीं। तो मोनू भैया जो हमारे साथ आए थे वो नहीं पता कहाँ उतर गए हैं, मैंने दो बार देखा ट्राई किया, पर अब देखो मूर्ति क्या लग रही है पन्नी में हमारे एक तरफा यहाँ से तो जाएगी, तो पीछे और आगे सब लोग जा रहे हैं, मोनू नहीं पता अब कहाँ है। जय माता दी। One hour later. तो ये आ गया है, सिरसा गेट आ गया है, तो चलते हैं देखते हैं। इसी के लिए रुका गया था अभी थोड़ी देर और अब पता चलेगा कि मूर्ति निकलने इसी के लिए वेट कर रहे थे, तो आगे थोड़ा रोकेंगे गाड़ी और देखते निकल। अरे बाप रे, तो पानी देख सकते हो वहाँ कितना भरा हुआ है, और देखते अब निकलता है कि नहीं हाइट। पीछे 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 पीछे, क्योंकि मूर्ति अब यहाँ से नहीं निकल रहा है तो यहाँ से अब पीछे करना पड़ेगा, पूरा पीछे पीछे, बाइक पीछे हटा दो। तो यार अब चलते हैं पीछे तरफ से, मूर्ति भी पीछे हो चुके तो हम भी पीछे चलते, भी पीछे से होके जाना पड़ेगा। तो यार अब जो है यहाँ तरफ पहुँच गए देव बलौदा का, ये इस रास्ते अब दे यहाँ वाला थोड़ा लंबा है, तो वो देखो मूर्ति हमारी वो वहाँ है, वो आ रही है, तो हम यहाँ आके बैठ चुके हैं। बहुत लंबा था रास्ता, बहुत लंबा है ये रोड, तो देखते हैं अब मूर्ति आती तो पार होते कि नहीं 2 मिनट यहाँ से। तो यार ये आ गई मूर्ति, अब बहुत ऊंचा है, हे माता दी। तो अब चलते हैं आगे इसी रोड को कंटिन्यू करते हुए। जय माता दी। देखो क्या मस्त है यहाँ, बहुत ऊंचा बनाया है इसलिए दिक्कत कुछ नहीं है, मूर्ति यहाँ से आराम से निकल जाएगी। तो मेन रोड पे मिलते हैं और एक बार सामने देख लेते हैं कि वहाँ तो कुछ नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अब रोड पे मिलते हैं मेन वाले, बस इसके उस पार है। तो यार वो है दुर्गा जी और हम जा रहे हैं इस रोड पे, पहुँच गए चरोदा वाले रोड में, और देखो क्या दिख रहा है। ओ भैया, ओ भाई क्या स्पीड में निकाल रहे हैं, ये भी देख सकते हो क्या लग रहे हैं यार। सर ट्रक की स्पीड ज़्यादा होने के कारण जो है माता की जो ऊपर झिल्ली लगाए तो धूल से बचने के लिए पूरी तरीके से फट चुकी है। तो यार आखिरकार हमारा एरिया एग चौक यानी पहुंच गया है, तो अभी डीजे आने वाला है एग चौक के हनुमान मंदिर के पास, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलो डीजे के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। ओ भाई साहब गड्ढा है गड्ढा है, ये देखो ये आ गया है और सामने है डीजे भी है जो दिख रहा होगा, तो यहाँ से बजाते हुए हम जाएंगे अंदर की ओर हमारे घर तरफ, और देखो क्या माहौल लग रहा है यार, मज़ा आएगा, अब डीजे बजेगा। तो यार अब मैं उतर चुका हूँ बाइक से और देख सकते हो मस्त अब देखे जा रहे दुर्गा जी आधे बम वगैरह फोड़ते हुए, नारियल के साथ शुरुआत। तो यहाँ से हमको सीधा जाना है और लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, वहां से हमारा घर आ जाएगा। तो अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो मैं बैकग्राउंड में पूरा
बैकग्राउंड में पूरा बोलते रहूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मजा आएगा ना भिड़ू एक साथ। तो यार यहाँ से आप घर तक का प्रोसेस एंजॉय करें, आपको मजा आएगा बहुत ही बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं कार्यकर्ता लोग सब कैसे अब अपना मेहनत में जुड़े हुए हैं। तो निकलते हैं आगे की तरफ। आखिरकार माता जी अपने घर यानी हमारे घर तरफ आ ही गए हैं 9 दिन के लिए। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है शायद तक, अगर आप ही बता सकते हो कि कैसे होने वाली, कमेंट में ज़रूर बताना। और माता जी को देखो मस्त आके बैठ चुके हैं 9 दिन के लिए हमारे लिए। तो भाई अंधेरा है पूरा। तो यार आखिरकार दुर्गा जी की मूर्ति ले भी गए, आ भी गए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया रास्ते में। 3 जगह से नहीं आ रही थी मूर्ति, तो तीनों जगह पे अपन ट्राई किया और आखिर में एक जगह से आ ही गया। आपने तो पूरा प्रोसेस देखा ही है वीडियो में। तो माता दी अब आ चुके हैं, तो अब तो बहुत मजा आएगा डेली। और दिन में पूरा अंधेरा हो चुका है, घर में लाइट तो है बट बिजली बचाने क्या करें। तो आखिरकार वीडियो को मैं अभी एंड कर रहा हूँ, यार हालत खराब हो गया, अब जाके फिर से नहाऊंगा। तो मिलता हूं मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ये वीडियो आपको कैसी लगी, घर घूम लिया मैंने पूरा। तो फिर मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।